अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? वैसे वक्त क्या हुआ है? हाँ, मुझे पता है मैं थोड़ी सी लेट हूँ तैयार होने में, थोड़ी सी लेट हो गई। बाल है ना, सही कर्ल नहीं हो रहे होते या लिपस्टिक का सही शेड नहीं बन रहा होता, तो दो चार मिनट ऊपर हो जाते हैं। लेकिन बहुत बुरी बात है कहीं भी लेट होना, क्योंकि अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। आपको पता है हर चीज़, जैसे वक्त मुनसर है घड़ी की सुइयों पर और वो घड़ी की सुइयाँ हमें वक्त बताती हैं, वैसे ही वक्त हमें और बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि रिश्तों की अहमियत और हर चीज़ की अहमियत, लोगों की अहमियत वक्त हमें बताता है। जैसे कि आज कल हम देख रहे हैं कि हम घर में कैद हो गए हैं, बंद हो गए, ये वक्त का तकाजा है। हम पहले आज़ादी से घूमा करते थे, लेकिन अब ये वक्त ऐसा पड़ा है कि हम घर में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। वैसे हम आज़ादी 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 कर रहे होते हैं, देखिए ये पलक झपकते वक्त ने हमारे साथ क्या खेल खेला, और हम अपने घरों से खुद ही नहीं निकल पा रहे। अपनी मर्ज़ी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के सर्वाइवल के लिए हम अपने घरों में ही कैद हैं। वो जो एक्टिविटीज़, वो जो मिलना जुलना हम किया करते थे, उन सब से हम बिल्कुल क्या कहते हैं ना, कटाए ताल्लुक हो गए हैं और अपने घर में बंद हो गए हैं। वैसे ही वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देता है, सिखा देता है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये आपको वक्त ही बताता है। क्योंकि कभी कभी इंसान पे जब बुरा वक्त पड़ता है और आपके आसपास के लोग हैं, उनके सही चेहरे आपके सामने उसी वक्त नुमाया होते हैं, पर्दा उसी वक्त उठता है कि कौन आपके बुरे वक्त में आपके ज़्यादा करीब है और कौन जो पहले करीब था आपके अच्छे वक्त में, वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त की बात हो रही है, वक्त वक्त की बात है। एक ज़माना था कि माँ बाप अपनी बेटी की शादियों के लिए बहुत परेशान होते थे, रिश्ता अच्छा मिल गया, लड़का अच्छा है, रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना, मगर वो खर्चा नहीं है जो उसकी शादी पर करना है, मगर वो पैसे नहीं हैं, वो कमेटी नहीं खुली, वो प्लॉट नहीं बिका, जो भी अपने बेटी की शादी के लिए फंड इकट्ठे किए थे वो सब अब इस वक्त है नहीं, कैसे झटपट रिश्ता कर दें। तो फिर उस रिश्ते को रोकते हैं, मंगनी में कन्वर्ट करते हैं, मंगनी में मतलब लाइक बात पक्की करते हैं, और फिर जब वो सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं जिसमें अपनी बच्ची की ड्रीम वेडिंग करनी है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, फिर वो शादी तरतीब दी जाती है। लेकिन आजकल वक्त ऐसा है कि आपको ज़्यादा पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए, उसकी शादी सादगी से करना ही वक्त का तकाजा है एक्चुअली। क्योंकि ना आप उसको बड़े से हॉल में शादी उसकी ले जा सकते हैं, ना बड़े से गार्डन में, ना डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, ना कोई ज़्यादा लोगों को जमा कर सकते हैं, तो वो दिखावा, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं और आपका खर्चा कम हो जाता है। मैं दिखाना चाहूँगी वक्त के तकाजे के हवाले से पहनावे भी लोगों के चेंज होते हैं। इस वक्त का पहनावा, अगर मैं दुल्हन का पहनावा कहूँ कि हमारी अम्मा ने भी वही लाल जोड़ा पहना था किरण के दुपट्टे के साथ और वो गोटे गरारे, और हम भी वही पहन रहे थे, मगर हमारी अम्मा के ज़माने की और अब आज के ज़माने की जो शादियाँ हैं उनके कपड़ों में, उनके लिबास में क्या तब्दीली आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़रा, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रही, मैं दूसरे ममालिक की भी बात करूँ। जैसे इंडिया के दुल्हा दुल्हन है ये, जिसमें आपको मास्क नज़र आ रहा है, ये भी हमारी पड़ोस, ये नेपाल की दुल्हन है जिन्होंने अपनी शादी में मास्क ऐड इन कर लिया है, और ये देखिए ये एक और दुल्हन जिन्होंने अपने जोड़े के हिसाब से मास्क के ऊपर कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं सारी, अभी देख सकते हैं एक और दुल्हन। अब ये कौन सी दुल्हन है? क्रिस्टन दुल्हन, अच्छा क्रिस्टन दुल्हन है। और ये देखिए मुख्तलिफ दुल्हा दुल्हन जो है उनके फ़ोटोशूट्स हैं। इस वक्त के तकाजे को मद्देनज़र रखते हुए ये मास्क इस तरह इन्होंने पहने हुए अपने शादी के जोड़ों के साथ, यानी मास्क की भी कढ़ाई हो रही है। ये है पाकिस्तानी दुल्हन, ये भी रिसेंटली हमने देखी कि पाकिस्तानी दुल्हन ने भी अपने कढ़ाइयों वाले मास्क को अपने जोड़े का हिस्सा बना लिया। अब कल को जब इनके बच्चे बड़े होंगे और तस्वीर देखेंगे अपनी अम्मा की शादी की, तो वो पूछेंगे क्या हुआ था आपकी शादी के ज़माना। ये कोरोना एक हिस्ट्री बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोविड-19 एक हिस्ट्री बन जाएगा। ये जब जल्दी ख़त्म हो तो इस वक्त की जो शादीशुदा जोड़े हैं ये बता रहे होंगे अपने बच्चों को कि बेटा हमारे वक्त में ये हुआ था, फलाना हुआ था, और ऐसे गुजरे वक्त को याद किया जाएगा।
कैसा मज़ा आता है ना जब आप अपनी शादी की वीडियो लगाते हैं और अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रहे होते हैं, देखे वो ये चाचा देखो कितने पतले थे, और हे अल्लाह आंटी कितनी जवान लग रही है, मम्मानी को देखो कैसे पान चबा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप बहुत दिनों बाद बैठ कर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे होते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो उस वक्त नहीं होते। तो सच्ची बात तो ये है कि अगर आप सही वक्त पर अपने रिश्तों को अहमियत ना दें तो आपके हाथ से ऐसे फिसल जाते हैं, फिर गया वक्त हाथ में दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। उसी तरह अगर रिश्तों की कदर ना की जाए, रिश्तों को अहमियत ना दी जाए, तो फिर जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो, वो उतनी खुशगवार नहीं रहती। सिर्फ रिश्ते ही तो हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी ज़िंदगी खड़ी है, ये आपको तब पता चलता है जब आप पर बुरा वक्त आता है। तो ये बहुत वक्त 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 कर रही हूँ मैं, आज कोई वक्त के ऊपर शो नहीं करी, बल्कि मैं कुछ बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर सही वक्त पर आपको अकल आ जाए तो आप बिखरी हुई चीज़ों को समेट सकते हैं, लेकिन अगर अकल ना आए तो फिर वो चीज़ें बिखरे मोती की तरह यहाँ इधर उधर बिखर जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ड्रामे की जो आप ट्यूसडे की रात 8 बजे देख रहे हैं ARY डिजिटल पर, जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं वहाज, यासिर नवाज़, नीलम मुनीर, नौशीन शाह और समीना अहमद, वसीम अब्बास, बहुत सारे ज़बरदस्त फनकार एक साथ मोतियों की तरह जुड़े हुए हैं इस ड्रामे में। और ट्यूसडे की रात आप देख रहे हैं जिसमें यासिर एक बहुत ही ज़ालिमाना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मैं कहती हूँ यस बहुत तुमने मासूम बन के ड्रामे कर लिए, अब तुम एक विलनिश कैरेक्टर भी करो, लेकिन क्या कैरेक्टर हैं सबके, आगे चल के ड्रामे में क्या होगा। अभी इसके आई गेस 5 एपिसोड्स, 5 किस्तें आप देख चुके हैं, आगे क्या होना है, कहानी किस तरह फ्लो करेगी, बच्चों के ऊपर जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो कैसे कंट्रोल में आएंगी, ये सब बातें आप थोड़ी थोड़ी जान पाएंगे इस शो से। और अगर आपने अभी देखना नहीं शुरू किया ये ड्रामा तो भूलिए नहीं कि मैं आपको ये फोकस कराने के लिए आज शो कर रही हूँ कि ये ड्रामा ज़रूर आपने देखना है। ज़बरदस्त कहानी, ज़बरदस्त डायरेक्शन, ज़बरदस्त प्रोडक्शन, सारी चीज़ें एक साथ अंडर वन रूफ आप देख सकेंगे ट्यूसडे को 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर बिखरे मोती की सूरत में। तो एक छोटे सा ब्रेक के बाद हमारे पास होंगे यहाँ इस ड्रामा है इसके फनकार और उनसे होंगी ज़बरदस्त बातें। तो आज की सुबह खुशगवार बनाऊंगी, वादा है मेरा, लेकिन आपने वादा करना है कि इधर उधर नहीं होना, यहाँ बैठ के हमारा शो देखना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मासूम जल्दी करिए, अगर देर हो गई तो पापा बहुत मारते हैं। जल्दी करेगा अम्मा, मैं आती रहूंगी तुम लोगों के पास, ज्यादा दिन वहाँ नहीं रहने दूंगी। बच्चे यहाँ से सिर्फ गए हैं, उनसे कौन सा ताल्लुक टूटा है हमारा? नंबर का आवारा शख्स है मुनीर खट्टू इंसान, ये भी बच्चे उसके पास रहेंगे क्योंकि बदकिस्मती से बाप है उनका। जो तड़पन उसके दिल में बच्चों के लिए है ना, अगर बात बन जाए तो बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी, तुम्हें बहू, और जुल्फी को पढ़ी लिखी कमाती हुई बीवी।
अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर भी बनेंगे। पर हम बदल देंगे इस कॉन्सेप्ट को कि शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ सच मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि इस मोहब्बत के आगे फर्ज आ गया था और मैंने वो फर्ज चुन लिया था। अपनी माँ से शहजादी का पता लेकर दो मुझे। मरती मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि शहजादी कहाँ है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चारों तरफ मेरे अपने ही साए, चारों तरफ मेरे अपने ही साए, अपना मुझे कोई नजर ना आए, अपना मुझे कोई नजर ना आए, दिल घबरा कर को बुलाए, दिल घबरा कर किसको बुलाए, हर मुश्किल में याद तू आए, हर मुश्किल में याद तू आए, दिल ना मिला था पहले हमसे, बच्चों का जन्म दे सकती है कर्म नहीं दे सकती। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आपके फेवरेट स्टार्स से, और अभी जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ वो मेरे शो पे पहले आए नहीं हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो मुझे उनसे बहुत सारे सवालात भी करने हैं। और उनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज असिस्टेंट डायरेक्टर किया एक न्यूज़ चैनल से, और उसके बाद वो एक्टिंग के करियर में कैसे आए ये बात तो मुझे उनसे ही पूछनी पड़ेगी। आपने उनको बिखरे मोती के अलावा देखा है हरी हरी चूड़ियों में, दिल नवाज़, माह तमाम, भरम, अहद वफा और बहुत सारे और जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आइए बुलाते हैं बहुत ही फाइन एक्टर, वेरी वेल ड्रेस्ड और बहुत हैंडसम, वेलकम करते हैं वहाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वहाज जी? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं आप, और मुझे तो खुशी होती जो अपने भृत्य पे आगे बढ़ते हैं ना बच्चे, जिनका कोई अम्मा अब्बा या पीछे कोई नहीं होता, लेकिन जो है उनको वो अपने काम से मनवाते हैं लोग। प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। तो वाकई आपने असिस्टेंट डायरेक्टर पहले आप? मैंने इंटरक्टिव फिल्म मेकिंग की NCA से। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है नौकरी का, हाँ, वो उसी तरह से ही जारी रहा। अच्छा, और फिर आपने ये सोचा था कि मैंने एक्टिंग करनी है? आप डायरेक्शन के उस पे ही आए थे? नहीं, ऑनेस्टली आया तो मैं डायरेक्शन के ही इंटरेस्ट में, हाँ, था, लेकिन बस वो थिएटर करता था मैं, हाँ, कॉलेज में, स्कूल में बहुत शौक था मुझे, हाँ, और हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना होता था। तो एक्टिंग के उसमें क्यों नहीं गए कि मैं एक्टिंग पढ़ लूँ बजाय इसके कि फिल्म मेकिंग पढ़ूँ? आपको पता है कि इतना रुझान ही है अभी भी, हाँ, अभी भी हमारी सोसाइटी में उस तरीके से नहीं प्रसिद्ध किया जाता, हाँ, कि एज अ करियर, लेकिन ये है, हाँ, तो बस वो एक सोच थी लेकिन एक शौक था। अच्छा, तो बस एक अपॉर्चुनिटी मिली। कैसे मिली? मतलब लाइक आप न्यूज़ चैनल में होते थे? न्यूज़ चैनल में था फिर? नहीं नहीं, न्यूज़ चैनल में था फिर, हाँ, मेरा कुछ 4-5 साल का करियर था न्यूज़ चैनल का। अच्छा, तो बस फिर वो ट्रांसफ़र होते रहे डिफरेंट सिटीज़ में, हाँ, तो प्रोजेक्ट्स अच्छे जाते रहे, फिर बीच में कुछ छोटी सी छुट्टी मिली, हाँ, तो आदत बिल्कुल नहीं थी घर बैठने की, और काम करते रहने का शौक था। अच्छा, तो एक महीना जब मैं घर बैठा छुट्टी पे पेड लीव पे, तो मैंने कहा यार तो बहुत बोरियत हो रही है, हाँ, तो कुछ करते हैं, तो फिगर आउट किया तो पता लगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं, क्योंकि मैं सबको जानता तो था, काम कर रहा था, दोस्ती हो गई होगी ना 4 साल, दोस्ती भी नहीं थी, तो बस एक सोचा कि चलो ऑडिशन देके देखते हैं, इतना अच्छा किया तो ना हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, तो बस इसी तरह एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देके मैं वापस आ गया, और मैं भूल गया कि मैंने ऑडिशन दिया था, क्योंकि बहुत दिन गुजर चुके थे, तो अचानक से कॉल आई कि आप सिलेक्ट हो गए, आप आ जाइए, तो आई थिंक आई वाज लकी इनफ
कि वो जो एक स्ट्रगल होती है बहुत लंबी, क्या फिर नौकरी छोड़नी पड़ी? अच्छा वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नौकरी मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, क्योंकि एक माइंडसेट होता है जब आप काम कर रहे होते हैं कि चलें ठीक है और आप आई वाज डूइंग फाइन इन माय करियर। हाँ। तो नौकरी मैं करता रहा, नौकरी मुझे छुड़वाई मेरी बेगम ने। अच्छा, शादी हो गई थी, नौकरी लग गई, शादी हो गई थी? नहीं, नौकरी जब मैं एक्टर बन रहा था तो उस वो जो बिल्कुल एक इनिशियल प्रोसेस था उसमें हाँ। मेरी शादी हुई थी। ये आपके खानदान में छोटी उम्र में हो जाती है शादी? लड़के तो पहले अपना करियर बनाते हैं उसके बाद जाके शादी करते हैं। नहीं, मैं 27 का था। I was 27. अच्छा अच्छा, अभी आप छोटे ही लगते हैं। अच्छा, उम्र बता नहीं तो आज के लड़कों में कोई जरूरत नहीं उम्र बताने। तो नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। लेकिन बस मोहब्बत हो गई थी मुझे तो मैंने कहा फिर लड़कियों के रिश्ते तो जल्दी हो जाते हैं तो वो एक प्रेशर बिल्ट होता है ना कि रिश्ते आ रहे हैं रिश्ते आ रहे हैं। मैंने कहा एक सेकंड ये पहले थॉट आउट कर लेते हैं उसके बाद मैं बाकी कुछ कर लूंगा। अच्छा, तो बस वो फिर हो गई थी। तो फिर जब शादी हो गई तो मैंने अपनी बेगम से कहा, सना से, मैंने कहा कि भाई देख लो एक्टिंग जो एक करियर है वो बहुत डेंजरस भी है। अभी तो इतने सारे मजे हैं। सना की तस्वीर भी हम दिखाएंगे क्योंकि हम वैसे ही आपको सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। आपकी बच्ची की और सना की तस्वीरें हम देख रहे होते हैं, अच्छा लगता है, सब दुआएं दे रहे होते हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, इस तरह आपकी शादी हो गई लाइक नौकरी से पहले? पहले नौकरी तो कर रहा था मैं, एक्टिंग बस एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, वो भी शौक शौक में। अच्छा, तो उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आपको बहुत शौक है। हाँ। और इंसान को वही काम करना चाहिए कि जिसका उसको शौक हो। हाँ। और अंदर अंदर से मेरा भी दिल करता था कि यार मज़ा तो आता है। हाँ। लेकिन अब क्या करें, और अगर बुरा काम करते हैं तो लोग बुरा भी कहते हैं, तो ये तो बहुत सबसे अच्छी बात है कि बेगमात तो रोकती नहीं, हवाई रोजी है, आप नौकरी पे लगे रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऑनेस्टली क्रेडिट गोज टू हर बहुत सारा, क्योंकि मैं शुरू शुरू में बहुत डर रहा था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, एक सेटल जॉब थी, एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल था। हाँ। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसमें आते हुए ज़रा थोड़ा सा होता है कि आप एक करियर है और सब कुछ है। हाँ। तो करें या ना करें, लेकिन उसने बहुत पुश किया। हाँ। और फिर मैंने सारी कश्तियाँ जला दी और मैं कूद गया। अच्छा, तो फिर बस फिर एक्टिंग करते गए बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कराची शिफ्ट हुए? नहीं, मैं अभी तक लाहौर में ही हूँ। मैं जब भी कराची आता हूँ मैं फैमिली को मिस करता हूँ, सोचता हूँ कि सब लोग इधर हों। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जैसे ही मैं लाहौर में लैंड करता हूँ तो मेरा प्लान बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मेरे घर वाले जिस कंफर्ट जोन में वहाँ पे हैं वो शायद यहाँ नहीं रह सकते वैसे। हाँ। तो बेहतर है मैं आऊँ, काम करूँ और चला जाऊँ। अच्छा, तो बस ये एक प्रोसेस चलता रहता है। तो आप ज़्यादा कराची के ड्रामे करते हैं या लाहौर इस्लामाबाद के ज़्यादा कर रहे होते हैं? नहीं, कराची के ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा काम है, तो कराची ही ड्रामे। कितना अर्सा हो गया बगैर बहाल से पूछे उनको एक्टिंग करते? 2016 में स्टार्ट में शुरू किया था मैंने। अच्छा, 20 years, I guess. तो लेकिन अब क्या लगता है अपने करियर का अगर आप देखते हैं? मुझे लगता है कि एक्टिंग में आप अब रोज सीख रहे हैं और ये वाहिद मुझे लगता है कि ऐसा काम है कि जितना आप करते रहते हैं उतना आपके लिए मुश्किल होता जाता है, जितना आपको समझ आता है उतना आपके लिए मुश्किल होता जाता है। तो कोई भी, जैसे मैं नौकरी करता था, कोई भी ऑफिस वर्क होता है या कुछ भी, एक सेट पैटर्न बन जाता है, एक ऑटो रन पे आ जाता है काम, लेकिन ये नहीं आ पाता। जितना आपको समझ आता है आप उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आप कहते हैं अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे सीखना था, मतलब आप सीखते हैं। और आप हर सीन में हर टेक में मुझे लगता है आपके पास एक और चांस है बेहतर परफॉर्म करने का, और मतलब हर दफ़ा कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी जब हमने ईद का शो किया था तो नीलम हमारे शो पे आई, तो नीलम ने कहा, उससे मैंने पूछा भाई आपके फेवरेट को स्टार कौन है, तो उन्होंने आपका नाम दे दिया था। तो मैंने कहा भाई ज़रा आ देखते हैं केमिस्ट्री कैसी है। अब हम नेक्स्ट अपने जो हमारे ड्रामे की मेन लीड हमारी कैरेक्टर है और बहुत खूबसूरत परफॉर्म, मैंने बाकायदा इसको ग्रो करते हुए देखा है, एक खूबसूरत हसीन लड़की में और एक बहुत फाइन एक्ट्रेस में। जब ये छोटी थी, नई नई आई थी, तो वो ये बच्ची सी लगती थी बिल्कुल, जैसे 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 वक्त गुजरता गया खूबसूरती में इजाफा होता गया और टैलेंट में भी मजीद इजाफा होता गया। और ये ड्रामे की जो परफॉर्मेंस है, जो 5 एपिसोड मैंने देखे हैं, वो देखे तो मैं दंग ही रह गई कि वाह यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस होती जा रही है। तो आगे चल के तो ये पता नहीं क्या दंग दिखाने वाली है। आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत प्यारी सी हसीन टैलेंटेड एक्ट्रेस नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अब
तो हमें आदत हो गई दूर से सलाम दूर से मिलने की. मैं अभी आते हुए भी एल्बो से मैंने दरवाजा खोला. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठो प्लीज, बहुत अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह. थैंक यू. कितना मुश्किल हो गया आजकल कपड़े ढूंढना, क्योंकि सारी चीजें बंद हुई हैं. कपड़े मिल नहीं रहे, स्टूडियोज बंद हुए हैं, साइजेस नहीं है, मुश्किलात ही मुश्किलात है. होए होए, लेकिन फिर भी जिन हालात, जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें भी फिर काम हो रहा है, हो रहा है. उसी हालात को मद्देनजर रखते हैं. बिल्कुल, हिम्मत पकड़नी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, लेकिन एहतियात के साथ. इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं. मतलब इतना अभी भी मैं देख रही थी, इतना रश हो रहा था क्योंकि बिल्कुल इस टाइम सब कुछ खुल जाता है. हाँ, हाँ. और शाम तक, लेकिन लोग काफी हिम्मतदार हैं. हाँ, हम लोग बेचारे अच्छी बात है, डरते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरते. आज तो दो तीन दिन पहले सीवीओ पे घूम रहे थे. वाकई? नहीं नहीं, हमें डरना चाहिए. नहीं, मैं काम से गया बता. हाँ, नहीं नहीं, हमें डरना चाहिए. वैसे उसमें हम लोग जाहिर है, काम नहीं रुक सकता, काम तो रुक नहीं सकता, लेकिन जो है उन सारे प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए काम करना. अभी हम टीवी पे मास्क लगा के नहीं बैठ सकते, वरना हम जाहिर है हम मास्क लगा के ही होते हैं हर वक्त पूरे ऑफिस में. अच्छा, बड़ा भाई, मैंने ड्रामा देखा, जो 5 एपिसोड्स देखे, बड़ी ज़बरदस्त. आप दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और रोना धोना, ऐसे टप टप आंसू गिरते, मैंने कहा क्या है अंदर, ऐसे ऐसे आंसू कैसे आ जाते हैं, क्या करती हो भाई, पटक एकदम आंखें भर जाती है. 2 मिनट लगते हैं, आज के तक 1 मिनट बुला लूं, और मुझे बोलते बोलते आंसू आ जाते हैं, बिकॉज़ मुझे फीलिंग होती है नेचुरली. हाँ, तो बच्चों को देख के भी तरस आ रहा था, और वो बहुत ज्यादा, आई थिंक उन्होंने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आई मीन, एक बहुत सोल है तीनों ने. बहुत हाँ, अच्छा बहुत अच्छा है. दमीशा ने, अपना अनस ने, दमीशा के जो छोटे भाई हैं उन्होंने हाँ, बहुत जबरदस्त हाँ, काम किया. जानू, आपको जानू के सीन इतने इमोशनल हैं कि जानू की बड़ी तारीफ भी आई हाँ, है. मैं अब आगे चल के तो बच्चों को फिर और काम होगा, फिर क्या कहानी किस तरह टर्न मारेगी, तो ये तो बड़ी बहुत कुछ होना है. निदा, मुझे लोग कह रहे हैं कि बिक्रम मूर्ति बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा है. मैंने कहा क्यों? कहते बहुत इमोशनल है, रोना हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, और आम जिंदगी में ऐसे ही होता है. सुनो ना, पिटाइयाँ कितनी हुई हैं, सब अब्बा से भी मार खा रही हो. मेरा ख्याल है हाँ, मैंने कम थोड़ी मार खाई है इसमें. नौशीन ने तो बहुत मार खाई है बेचारी. नौशीन ने तो बहुत ही एक ही सीन. अभी आएगी तो पूछूंगी कि हड्डी पसली सही है. वो तो इतना मारा उसको, तो इतनी पिटाइयाँ, उसको तो इतने धक्के दे दे के नीचे गिरा है. मैं तो कहती हूँ प्लीज, बेटियाँ हो तो आप बेटियों को ना मारा करें. मतलब लड़कियों पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है. आप इस ड्रामे को देखें और सीखें. लड़कियां वैसी बड़ी मासूम होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, हर चीज़ से फाइट कर रही होती हैं, घर को लेके चल रही होती हैं, हर एक की जिम्मेदारी उनके सर पे होती है. बेटी एक बड़ी नेमत है, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसकी आवाज़, उसकी उसका साथ बनना चाहिए, उसे सपोर्ट देनी चाहिए. मैं तो यही कहूँगी, लड़कियों पे हाथ उठाना नहीं चाहिए. हाँ, और ये एक्चुअली देखें, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, लोगों को ऐसे समझ नहीं आती अगर आप नसीहत करें तो, वो ड्रामे ऐसे बनाए जाते हैं जिसे एक सबक मिले ना. Exactly. कि आप हमेशा बेटियों को अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत काम आती हैं माँ बाप की बेटियां. शान बशान होती हैं घर के हर काम से लेके बाहर तक. कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो बेटी वहाँ पे खड़ी होकर खिदमत करती है. और क्या, वॉशरूम तक ले जाना एक बेटी कर सकती है. तो मतलब लड़कियों की नेचर में, उनकी नेचर ही ऐसी होती है. मेरी बेटी है 3.5 साल की. हाँ. तो वो अभी से ही अजीब तरीके से ख्याल रखती है मुझे, जब मैं घर जाता हूँ बाकायदा केयर करती है. तो मुझे लगता है कि शायद वो बिल्ट इन होती है उनकी नेचर ऐसी. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे. तो आप दोनों को भी हम देख रहे हैं इस ड्रामे में, और एक जालिम शख्स है इस ड्रामे में. ओए होए, अच्छा जब यासिन ने ये ड्रामा किया, कह रहे यार विलेनिश कैरेक्टर है, करूँ कि ना करूँ. तो मैंने कहा भाई, जब आप एक्टर हैं तो आपको हर तरह की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, और लोगों को दिखाना चाहिए कि आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं, आप विलेनिश कैरेक्टर भी कर सकते हैं. तो आइए, एक नए रूप में आप यासिन नवाज को इस ड्रामे में देख रहे हैं. मैं तो खैर देखती रहती हूँ. आपकी मुलाकात कराते हैं कोरोना COVID-19 रिकवर्ड पेशेंट डायरेक्टर यासिन नवाज, एक्टर यासिन नवाज, और मेरे मियाँ यासिन नवाज से. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस क्या हाल है?
कैसे हैं आप? बड़ी टाइम पे आ गया आप लोग, गाड़ी टाइम पे पहुंची लगता है। नहीं नहीं, रास्ते में ट्रैफिक था। नहीं नहीं, हमारे पास गाड़ी माशाल्लाह आराम से है। नहीं लेकिन वैसे भी आप लेट लतीफ हो। कभी लेट नहीं, हमारी शादी में भी लेट आए थे आप। लेट इन कराना था। आप बिल्कुल टाइम से आए, कोई टेंशन नहीं। आप 12 बजे पहुंचे थे बारात लेकर। आप लेट लतीफ हो। और हमारे साथ प्रॉब्लम है, जब भी कहीं जाना होता है तो हम लेट ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये सबके साथ होता है। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम इन सब से बात करते हैं बिखरे मोती के हवाले से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। का इंतखाब क्या होना चाहिए? धूप जलाती पांव मेरे, दे दे पता जहां छांव मिले। जैसे अनमोल मोती। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप ये जान रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं जानते, कि 5 एपिसोड चल चुके हैं बिखरे मोती के। और ट्यूसडे की रात 8 बजे आप देखते हैं इस खूबसूरत ड्रामे को, जिसमें शामिल हैं यासिर नवाज, नीलम मुनीर, वहाज अली, वसीम अब्बास, नौशीन शाह, समीना अहमद, और बताएं, और नाम लोगों को बताएं। वसीम अब्बास सर, हाँ, राशिद फारूकी, शाइस्ता जबीन, और बच्चों के नाम क्या क्या है? अनस, दमीशा, और छोटे लगा हाजिक, आजिक, आइजिक, आइजिक, ऐसे कोई नाम। आजकल माँ बाप भी तो इतने मुश्किल नाम रखते हैं, याद करने में भी टाइम लगता है। यूनिक नाम के चक्कर में मुश्किल वो सही था, शाजिया, परवाना, शहनाज, है ना, मतलब अब तक याद रहते हैं ये नाम। नहीं, माँ बाप मुश्किल नाम आजकल डिफरेंट हो किसी और के नाम। अच्छा, हमने अभी तक जो एपिसोड्स देखे हैं उसमें आपका कैरेक्टर ज़रा सा है ऐसा कि नेगेटिव है थोड़ा, एक आदमी जो है वो हाथ उठाता है, कुछ इस तरह का कैरेक्टर है। तो जब ये ऑफर हुआ आपको, तो आपको थोड़ा सा घबराहट नहीं हो रही थी कि मैं पता नहीं, मैं इतना पॉजिटिव कैरेक्टर? कोशिश होती है कि मैं कम काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा काम, मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर सकूँ, मैं लीड पे हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। मैं 25-30 साल मैं इस फील्ड में रहा हूँ, तो मैं हमेशा, मेरी पहले प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से होती है कि आप मुझे और मेरे कैरेक्टर को आप रिस्पेक्ट दें, मुझे इम्पोर्टेंस दें। ये मेरी हमेशा पहली मेरी तरजीह जिसे कहें ना, ये होती है। नहीं लेकिन तो आप ये और रोल क्या है? रोल देखता हूँ मैं, नेगेटिव रोल नहीं करता आमतौर पर, लेकिन इसमें भी बात ये हुई थी कि मेरा शुरू के शायद 12-13 एपिसोड में सीरियस कैरेक्टर है और नेगेटिव कैरेक्टर है, उसके बाद मैं कैरेक्टर चेंज होता है मेरा, तो वो शायद 13वें-14वें के बाद फिर कैरेक्टर पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट, एक नया जुल्फी बन, जुल्फी नाम है कैरेक्टर का। तो वो जुल्फी जो है अचानक से 13वें-14वें एपिसोड से, अचानक तो नहीं लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो उसका पूरा कैरेक्टर चेंज होता है। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं इस तरह का नेगेटिव, मार पीट, बच्चों को मारना पीटना, इस तरह का कैरेक्टर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपने किया तो वो आपको उलझन नहीं हो रही थी? मुझे वाले साहब अक्सर मेरे, ज़्यादातर उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो मुझे था कि पता नहीं ये कैरेक्टर नेगेटिव कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि छाप लग जाए, ऐसा ना हो कि मुझे आइंदा ऑफर इस तरह कैरेक्टर्स की हो, तो मैं बहुत डरा हुआ था इससे। तो फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब मुझे लगा कि जब चेंज ओवर आ रहा है इस कैरेक्टर में, तो वो एक अच्छा मेजर चेंज ओवर है। आमतौर पर जब एक नेगेटिव आदमी जब पॉजिटिव होता है
जैसे तुम्हारा भी कैरेक्टर था उल्फत वाला जो आखिरी एपिसोड में बहुत अच्छा हो गया था, तो लोगों को फिर प्यार होना शुरू रहता है उस कैरेक्टर के साथ। तो मेरा भी जितना बुरा दिखाया है तो आगे एक चेंज आएगा और वो कैरेक्टर इंशाल्लाह क्लिक होगा। अब देखें मैं क्योंकि इस लेवल का, इस बच्चों को मारपीट, बीवी को मारपीट, घर में एक नशा करना, घर में माहौल बुरा रखना, ये एक था कि मैंने कभी नहीं किया इससे पहले। और ये भी है कि मैं शायद अब नेगेटिव कैरेक्टर ना करूं, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको उस कैरेक्टर में ही ले जाते हैं, कहते हैं यार ये है ही ऐसा। आप अभी भी हमारे जो सीधे लोग हैं, सादे लोग हैं, सीधे लोग हैं, तो वो समझते हैं कि ये है ही है, जुल्फी है ही ऐसा, ये यासिर है ही ऐसा। तो लोग नहीं समझते कि ये कैरेक्टर है ये। लेकिन दिल मुमका दिया से भी आपको बहुत याद रखते हैं। दिल मुमका दिया तो पॉजिटिव कैरेक्टर था ना। मैं आमतौर पर अवॉइड करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स, मैंने आज तक नहीं किए। ये किया है इससे अभी दिल मेरा दूसरा ड्रामा चल रहा है, मेरा दिल मेरा दुश्मन, वो मुझे अभी नहीं करना था, लेकिन वो सना शाहनवाज और ये इनकी वजह से मुझे करना पड़ा। लेकिन वो भी उस लेवल का नेगेटिव नहीं है जिस लेवल का ये नेगेटिव है, मारपीट और बच्चों पर जुल्म। तो अब मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा है अब मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा। अच्छा एक चीज़ और मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ यासिर की, और जिसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी और एक तरह से ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को भी ये कदम उठाना चाहिए अगर वो इतने लकी हैं कि वो कोरोना कोविड 19 रिकवर्ड पेशेंट है। एक वीडियो मैं शेयर करूँगी फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ तो इस वक्त यासिर एक बहुत अहम काम कर रहे हैं जो कि जो भी कर सकता है उन सबको करना चाहिए। क्या काम है यासिर ये? मैं प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ और मेरा जैसे पता है सबको कि कोविड-19 पॉजिटिव आया था, तो उसके कोई आज 28वां या 29वां दिन है मेरा, तो मैं प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सवाब का काम है, अच्छा काम है। और जो लोग देख रहे हैं मुझे वो डोनेट कर सकते हैं। थोड़ी सी बहुत मामूली तकलीफ है, वो भी सिंच लगती है उसकी, जो इसके अलावा कोई मैंने समझता कि मैं रिलैक्स बैठा हूँ और चेहरे में मुस्कुराहट भी है मेरे। डोनेट करना चाहिए प्लाज्मा। और दूसरा ये बता दूँ आप लोगों को कि 45 डेज के अंदर अंदर आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो प्लाज्मा ना आपके काम पर रहता है ना किसी और के काम पर रहता है। तो जिनको भी प्लाज्मा डोनेट करना है वो 45 डेज के अंदर अंदर करें, जब आपको टेस्ट आपका जो पॉजिटिव आया उसके बाद। जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइव बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लाज्मा डोनेट करने का? लोग डरे हुए ज़्यादा हैं, लोगों को डरना नहीं चाहिए, आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। दूसरा अभी कल ही मुझे पता, कल मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर शौकत जो जहाँ मैंने प्लाज्मा दिया डॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बताया कि अब तक जब से ये कोरोना वायरस आया है पाकिस्तान में, और माशाल्लाह रिकवरी रेशो ज़्यादा है, लेकिन अब तक 30 लोगों ने मुझ समेत 30 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। अच्छा तो ये कि आप हमें लोग डरते हैं पता नहीं या क्या, घबराते हैं या सुस्ती है क्या है उसमें? जब आप डोनेट करने तो जा रहे थे आपको घबराहट हो रही थी? घबराहट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो रही थी, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं हो रही थी, थोड़ी सी होती, लेकिन वो बार बार डॉक्टर से जो सवाल किए तो बताया जिस तरह ब्लड निकलता है उस तरह दो, वो ब्लड में होता है एक सिरिंज डालते हैं, एक इंजेक्शन होता है, दूसरे यहाँ दो हैं, एक में ब्लड जा रहा होता है, एक में फिल्टर होके प्लाज्मा फिल्टर होके वापस आ रहा होता है। तो थोड़ी सी घबराहट थी मुझे, ज़्यादा घबराहट नहीं थी, लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए लोग, क्योंकि ये 45 डेज़ के बाद, जैसे मैंने अभी इसमें भी कहा वीडियो में भी, कि 45 डेज़ के बाद वो आपके काम का भी नहीं रहता, तो आपके ही काम का नहीं है ये, ऐसा लोग समझते हैं कि शायद हम दे देंगे तो हमारी ताकत निकल जाएगी या दोबारा कोरोना अटैक कर देगा या ये वायरस अटैक कर देगा, ये समझते हैं कि कोई नुकसान आते हैं इसके, तो ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। आप जाते हैं, सिर्फ टाइम आप जाता है, एक घंटा लगता है तकरीबन, आप एक घंटे के अंदर फ्री हो जाते हैं, किसी को 40 मिनट, कोई 50 मिनट में, 60 मिनट में आप फ्री हो जाते हैं। तो ये तो एक सवाब भी है और ये सदका जारिया भी है, तो डोनेट करना चाहिए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें पता चली कि ख़वातीन जो हैं, मतलब 30 मर्दों ने ही दिया है, ख़वातीन का प्लाज्मा जो है वो इतना, जो बच्चों की माएँ होती हैं ज़्यादातर, उनका इतना करामत नहीं होता, एलिजिबल नहीं होता था प्लाज्मा। 30 तो, सिर्फ इस हॉस्पिटल में दिया है, वैसे हाँ। आगे दौर में दिए होंगे, लेकिन डॉ यूनिवर्सिटी जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, 30 कुछ भी नहीं है,
कितने लोग रिकवर हुए, कितने लोग ठीक हुए? एक इंसान कितने लोगों को दे सकता है प्लाज्मा? उसका प्लाज्मा नहीं होता लोगों का, वो प्लाज्मा तकरीबन दो लोगों को काम में आता है। लेकिन डॉज यूनिवर्सिटी ने कोई नया सिलसिला शुरू किया कि 5-6 प्लाज्मा मिला के कुछ अभी इंजेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, यू सी के कैसे ये एक अल्लाह का निज़ाम है कि एक इंसानियत का वक्त है और आप देखें कि एक एक ऐसी ऐसा इलाज है जो कि एक बंदा ही दूसरे को डोनेट कर सकता है। हाँ, हाँ। तो ये वक्त है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस वक्त प्लाज्मा बेचने का वक्त नहीं है, वो जो पता नहीं है बेच रहे हैं, फिर वो हॉस्पिटल भी उनको इतना महंगा। लोग हैं जो इस वक्त वो वक्त नहीं है, वो वाली इस वक्त सर्वाइवल का दौर है। और बिल्कुल मदद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि आप लोग अभी भी काम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त सब घर में बैठे हुए, तो टीवी पे कोई तो चीज होगी ना जो उनको घर पे बिठाए रखेगी। तो अगर ये सब लोग काम कर रहे हैं या जो भी एक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं और आपके लिए ड्रामे बना रहे हैं, तो इसलिए कि वो ज्यादा लोग जो निकल रहे हैं, खाली काम के लिए नहीं निकल रहे, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी निकल रहे हैं। बोर हो रहे हैं यार, छुट्टी है, ऑफिस बंद है, तो चलो फलाना पप्पी क्या चलते हैं, चाची क्या चलते हैं, नहीं मिलती है पप्पी चाची, कोरोना चल रहा है बहुत कम होती है। ईद पे तो गले भी मिल रहे थे। मेरी खाला नाराज हो गई, मेरी खाला आई थी मिलने के लिए, तो मैंने कहा दूर 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 दूर, कहती क्या मतलब है दूर दूर? नाराज हो रहे हैं लोग थोड़े। हाँ, नाराज हो रहे थे, बड़े हैं ना आपके घर के, वो थोड़ा फील करते हैं कि क्या मतलब है, मिलने भी नहीं आए, गले भी नहीं मिली, प्यार भी नहीं किया। हाँ, लेकिन वो ऐसी एक तंग करने, मुझे पता है वो घर पे, लेकिन एहतियात जो है ना भाई बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं है प्लीज आप एहतियात करें। अभी एहतियात बहुत जरूरी है, अभी कर लेंगे फिर वक्त गुजर जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या क्या अब यासर आप बताओ, आप क्या क्या एहतियात करते हो अभी कोरोना से फ्री होने के बाद, उससे रिकवर होने के बाद आप क्या एहतियात करते हो? देखिए, जो मैंने अब तक इतना मालूम किया है उसमें तो कहा जा रहा है कि आप एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा नहीं होता। और चाइना में भी जो WHO की रिसर्च है उसमें कहा गया है कि 6 महीने हो गए हैं इस वायरस को, तो 6 महीने में कोई पेशेंट रिपीट नहीं हुआ। इवन यहाँ हुआ है, यहाँ पे नहीं, ये आप नहीं, सोशल मीडिया अगर न्यूज़ में आए तो सही, न्यूज़ में था, न्यूज़ में नहीं आया, मैंने नहीं देखा न्यूज़ में। हाँ, मैं आपको आर्टिकल भेजूंगी, उसमें आया था एक पेशेंट है, उनको पहले हुआ था, उनको अब दोबारा हो। लेकिन वो यूट्यूब पे देखा था आपने, आपने नेट पे देखा था, डेट पे हमारी मौत की खबर भी देखी, वही बोला था कि एहतियात नहीं किया और फिर दोबारा हो गया। नहीं, कल डॉक्टर को कॉल किया था, बोला हमारे यहाँ तो कहीं ऐसी न्यूज नहीं आई है कि पेशेंट दोबारा आ गया, लेकिन चले दोबारा आता है, क्योंकि ये है पहली बार ये वायरस आया है दुनिया में, तो अभी काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ भी आप कह नहीं सकते कि ये क्या है क्या। तो मेरी एहतियाती तदाबीर ये होती, मैं वही करता हूँ, स्प्रे भी करना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, जेब अभी मेरे मास्क पड़ा हुआ है, तो वो मैं जितना ख्याल कर सकता हूँ करता हूँ। बाहर क्या करते हैं, बाहर कैसे एहतियात करते हैं? बिल्कुल इसी तरह ही, एक मैंने छोटी सी किट बनाई हुई है, उसमें मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, फूड सैनिटाइजर भी है। अच्छा, फूड सैनिटाइजर अलग है? तो वो क्या है, वो तो मैंने नहीं सुना। उसमें बस अल्कोहल नहीं होता और वो आप प्लेट्स पे कर लेते हैं, वो हार्म नहीं करता अगर आप उसको आपके जुबान को भी टच। अच्छा अच्छा, वो अलग, जितनी एहतियात कर सकते हैं वो हम करते हैं सारे। और नीलम तुम क्या करती हो? मैं तो जब शूट से वापस आऊँ, वैसे तो घर में ही होते हैं तो ख्याल तो हो रहा होता है, जब शूट से वापस आऊँ तो मैं तो अपना बैग बाहर छोड़ देती हूँ। हाँ। हर चीज, जूते जो बाहर यूज करती हूँ घर के बाहर ही छोड़ देती हूँ। डायरेक्ट ड्राइंग रूम में जाती हूँ, वहाँ पे शावर लेती हूँ, अभी इस हील का क्या करोगी? बाहर छोड़ दूंगी अभी दो, अब एक दिमाग में बन गया है ना तो बस अब उसका ख्याल तो रखना, क्योंकि घर में तो लोग हैं। हाँ। तो एक फील होता है कि मेरी वजह, ये मुझे लगता है कि कभी कभी आपको बहुत गिल्ट में भी डाल सकता है, मेरी वजह से कोई और क्यों बीमार हो गया, घर पूरा बच्चों से फैमिली से भरा हुआ है, मेरी वालना है, तो मैं इस तरह से अपना ख्याल रखती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं बाहर हूँ ना तो मैं अपने हाथों को जो ना कंट्रोल रखूँ, ना कान में लगाऊँ, ना नाक में, ना आँखों में, जबकि हम सब की आदत है ये, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो उतनी ज्यादा लगती है, उतनी ज्यादा मैं बिना आवाज को, मैंने कहा बाहर मुझे खारिश हो रही है ना, क्या करूँ, बट नहीं कवर करना पड़ेगा। जिंदगी में क्या चेंज आया, या फिर आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया इस पैनडामिक की वजह से? नहीं, लाइफ में चेंज क्या आना है, बस ये क्या आपको एहतियात अब ज़्यादा कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, बस मैं ऐसा क्या चेंज क्या अच्छा चल, काम नहीं कम काम हो गया घर पे है, नहीं कम, ये वक्त मुश्किल वक्त है, बुरा वक्त है, निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। कहा जा रहा है कि अगस्त में इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, जिसको होना होगा हो जाएगा, जिसको जो बचना होगा बचेगा, जिसको सेहतियाब होना होगा, जो फाइट करनी होगी वो करेगा इंशाल्लाह ताला। ये जुलाई थोड़ा टफ महीना है, मंथ अल्लाह करे जल्दी गुजर जाए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मार्च में कह रहे थे अच्छा जून में सब सही हो जाएगा, अब जून में कह रहे हैं हर महीने अगला महीना है। हाँ, बड़ा जो है हमें वो दिए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा चुप हो जाओ, अभी सही हो जाए।
और आपके आपका आपकी उसमें जिंदगी में क्या चेंज आया इस पैनोरामिक्स? देखिए मैं घर पे रहा, मेरी बेगम बहुत खुश थी। अच्छा। बच्चे के साथ खेल सके, मतलब मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ। वो सब कुछ करने की जो आप नहीं कर पाते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में, बहुत क्लोजली इमोशनली सब कुछ फील करने की। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी वालदा हैं घर पे, उनको रोज़ किचन से लेके कमरे तक जाने में क्या मुश्किलात आती हैं। हाँ। उनको किचन में क्या मुश्किल हो सकती है, उनको कमरे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलती हैं। फिर माशाल्लाह से अमीरा मेरी बेटी, वो किस तरह से रिएक्ट करती है, उसकी छोटी छोटी किस क्या खुशियाँ हैं। अच्छा। उसको मतलब छोटे छोटे इमोशन है जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं आपको पता चलते। हाँ, मिस कर जाते। तो वो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो सब कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं और उसको ड्रेस कर सकते हैं। और नीलम तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज है? सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि एल्बो से दरवाजा खोलना। अब हाथ से ज़्यादा एल्बो से काम लिया जा रहा है। तो मतलब ये ना, और बहुत आई थिंक देखा जाए तो चेंज है भी और नहीं भी है। मेंटली बहुत ज़्यादा चेंज है। एक है कि हाँ कुछ हो रहा है दुनिया भर में, आप जब न्यूज़ खोलते हैं आप देखते हैं, आपको पता चलता है जिस तरह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, होता है। बहुत बड़ा चेंज है ज़िंदगी में। बस ये मैं जानते समझाऊँ, ये वायरस जो है वो मुश्किल है लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। इसके साथ ये नहीं है कि आप फाइट नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी आपकी बॉडी को। आप हम जब पैनिक कर जाते हैं या हम परेशान होते हैं, एंजाइटी, फिर आप सो नहीं रहे हैं, फिर आप डिस्टर्ब होते हैं। उससे बेहतर है कि आप फाइट करें, आप रिलैक्स हों, आया है और इंशाल्लाह ताला ये बड़े तरीके से निकल भी जाएगा और आप फाइट कर लेंगे। और ज़्यादातर लोगों ने फाइट किया और सही सहतियाब भी हुए हैं। मुझे फील होता है कि आप ना एहतियात कर करके, अब जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो मैं कभी कभी थक जाता हूँ। हाँ। कि मतलब कब घर जाना है, मतलब ये भी करना है, कहाँ कौन कौन सी जगह सैनिटाइज करें। अच्छा, ये सोचा है कि जब ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है? नीलम सोचा है? यस, शुक्राना नफिल अदा करूँगी। उसके बाद? उसके बाद मैंने अभी तक मैंने काम नहीं शुरू किया, मैं घर पे ही हूँ। हाँ। तो नेचुरली अब मैं यही देख रही हूँ कि हालात थोड़े से बेहतर हों, अच्छा माहौल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब सब कुछ बेहतर होगा तो फिर मैं जाके बाहर काम करूँगी। या फिर आप क्या करोगे जैसे ही हालात इंशाल्लाह सही होंगे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? नहीं, वैसे ये हालात इस तरह नहीं होगा कि स्विच ऑन किया स्विच ऑफ किया सही हो गए। नहीं, वैक्सीन बन गई तो ऐसा हो सकता है? नहीं, वैक्सीन बनने में टाइम बन कह रहे हैं, काम हो रहा है उस पर, लेकिन ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगा। और ये अपना जैसे जब स्टार्ट हुआ था तब भी ऐसी था कि सुनने में आ रहा है कि हाँ यहाँ केस आ गया, दूसरा केस आ गया। वो ग्रेजुअली जिस तरह बढ़ते 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 एक पहाड़ बन गया। अब मुझे लगता है कि डिक्लाइन का टाइम, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जाने वाला टाइम आ गया और ये वक्त सा चला जाएगा। तो फिर भी सोचा तो होगा ना कि क्या करना है सबसे पहले? भाई सबसे पहले तो रेस्टोरेंट खोलना है, दोबारा से रूटीन लाइफ बनाना है। बहुत तारीफ सुनी है मैंने, बहुत तारीफ। हाँ, दोबारा रूटीन लाइफ स्टार्ट करनी है क्योंकि ओवरऑल फिज़ा में माहौल में एक डिप्रेशन आ गया है। वो वक्त के साथ साथ जब लाइफ रूटीन वाली लाइफ होगी तो ये डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे बाद? मैंने अपनी वालदा और अपनी फैमिली के साथ उमरा प्लान किया था। अच्छा। और वो मैं डिले कर रहा था मसरूफियत की वजह से। तो अब मेरी वालदा मुझे बहुत ताने देती हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अपने नहीं जा पा रहे हैं। तो जैसे ये सब कुछ खत्म होगा तो मैं सबसे पहले वो वाली ख्वाहिश पूरी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वाकफे के बाद वापस आएंगे। आपको ये याद दिलाने के लिए खास तौर पे आज शो डिज़ाइन किया गया है कि ट्यूसडे की रात एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा बिखरे मोती आप देख सकेंगे KRY डिजिटल पे। अगर आप देख रहे हैं तो आप उसकी छठी किस्त देखेंगे अगले हफ्ते से, और अगर आपने अभी देखना नहीं शुरू किया तो 5 एपिसोड जो है ये देख लें आप यूट्यूब पे, ताकि फिर छठे से आप फॉलो कर सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये बच्चों की जून जुलाई की फीस के पैसे हैं, ये मैं आपको नहीं लेने दे सकती। क्या मतलब है जरा? तेरी कमाई खाता हूँ मैं। उनकी फीसों के पैसों से नशा करोगे तो ये नशा अपनी जान ले लेगा। आसरा है बुढ़ापे का वो हमारे, और इनसे आस नहीं लगाऊंगा तो तेरे बाप से आसरा होगा मैं। नंबर का आवारा शख्स है, वो निखट्टू इंसान, फिर भी बच्चे उसके पास रहेंगे क्योंकि बदकिस्मती से बाप है उनका। गरीब हूँ, कमाता नहीं हूँ, नशा करता हूँ, 100 बुराइयां हैं मुझमें लेकिन बेगैरत नहीं हूँ मैं।
आप शहजादी को पढ़ने से रोक सकती हैं, स्कूल से निकाल कर उसे बेच सकती हैं, तो ये भूल है आपकी। नाक से लकीरें ना मैंने निकलवाई अपने पैरों में, तो मेरा नाम भी शमसा बेगम नहीं है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप ट्यूसडे की रात आप देख रहे हैं बिखरे मोती, और इसमें नीलम को देख रहे हैं, बहाज को देख रहे हैं, यासिन नवाज को देख रहे हैं, और एक और ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको आपने दो एपिसोड्स में देखा, और उन्होंने इतनी पावरफुल एक्टिंग से जो है आपका दिल जीता, और उन दो एपिसोड्स में ही उन्होंने बड़ा प्रूफ करके दिखाया, बेचारी को इतना पिटाई की, इतनी मारें खाएं कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आइए वेलकम करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत अच्छी दिखती हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं हर कैरेक्टर के लिए। तो आइए वेलकम करते हैं नौशीन शाह। ओहो भाई, अभी माइक लग रहा है, मुझे नहीं पता था कि उनको माइक नहीं लगा, अभी तक नौशीन को माइक लग रहा है, तब तक उनको माइक लग जाए तो मुझे बता देना, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। यही तो मजा आता है लाइव शो का, है ना, यही अच्छा होता है। अच्छा, मैं भी पहुंची ना, मैंने मास्क वास्क उतारा, मुझे कोई टाइम नहीं कि मैं शीशा देखूं क्या क्या नहीं, लाइव शो का एक ये बड़ा। अच्छा, वैसे अभी माइक लगने में टाइम भी इसलिए लग रहा है कि स्प्रे हो रहा है उसके ऊपर, माइक भी सैनिटाइज हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है उसके, वो भी लगाते हुए भी सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वो माइक लग चुका है और नौशीन आ चुकी है, आइए वेलकम करते हैं। Hello. Assalamualaikum. I am so sorry, guys. कैसी हैं आप? कोनी कोनी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, क्या ठीक हो गए? मैं अपनी बहन के पास बैठूंगी। नहीं, हीरो हम आदि हैं इसके लेट के, लेकिन खैर है। तो नौशीन बताइए भाई, ये जो आप कि क्या ये जो छोटे छोटे लगी ड्रामे में, जी जी, क्या वाकई बहुत भारी हाथ था जिन जिन ने आपको मारा? मेरा एक्चुअली नीलम आपको बताएंगी, क्योंकि शी वाज देयर जब ये हो रहा था, तो मैंने यासिर से कहा कि एक काम करें, उन्होंने कहा जी बोले। आई वाज लाइक चलिए एक काम करते हैं, इसको हम ना इम्प्रॉम्प्ट नहीं करते, इसको प्रॉम्प्ट नहीं करते, माइंड भी नहीं करेंगे, हम रियल करेंगे इसको, लाइक वी विल कीप इट रॉ। एंड ही वाज लाइक नो, इतनी सी तो हो तुम, अल्लाह ना करे कहीं आपको यू नो थप्पड़ लग जाए, या आँख पे लग जाए, नाक पे लग जाए, कान पे लग जाए, तो नहीं ये तो नहीं हो सकता। ही गॉट स्कैर्ड, आई वाज लाइक नहीं, इट हैज टू बी बिलीवेबल, और मुझे ये नहीं, मुझे तो ये रियल ही करना है। आप थोड़ी मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, मार तो मुझे पड़ रही है, आपको नहीं पड़ रही। देन आई वेंट अप टू शादी, हमारे जो डायरेक्टर हैं शायद शफाल, उनको कहा मैंने, उनसे रिक्वेस्ट की, एंड ही सेड आई यू श्योर अबाउट इट, वेरी मच श्योर अबाउट इट। एंड देन वो एक सीन, एक पहली टेक हुई, इट वॉज अमेजिंग, बट जोर से भारी हाथ था, कभी मुझे पड़ा नहीं था। अच्छा, नहीं, अल्लाह ना करे कि कभी भी पड़े, लेकिन मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि यासिर मेरी तरह के एक्टर हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिकल सीन्स, क्योंकि मुझसे भी वो झूठ मूठ का थप्पड़ जो होता है ना, मुझे भी मज़ा नहीं आता। अच्छा, और एक दफ़ा एक्शन बोल दिया जाए तो उसके बाद आपको वाकई ये ध्यान में नहीं रहता कि आप अगला जो एक्टर है उसको हर्ट हो रहा है। अगले एक्टर को जिसको मार पड़ रही होती है, वैसे आई एम नॉट, मैं इसको कोई वो नहीं कर रही, वायलेंस एक मैसेज था जो हम देना चाहते थे, इसी वजह से हमने ये इतना रियल मार वार और ये सब कुछ किया है, अदरवाइज ऑब्वियसली हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है, हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करें, हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर करना चाह रहे थे। तो जो एक्टर होता है उसको भी नहीं पता चलता, उस वक्त तो अंदाजा नहीं होता, बाद में हड्डियों में जो दर्द होता है ना, बाद में आई एंड अप गोइंग टू साउथ सिटी। अल्लाह, यस। अच्छा, एक दफा मैं, नीलम वाज देयर, शी वाज लाइक, एंड समीना आंटी, इन्होंने बाद में, दे वर काइंड एनफ
के पानी वानी पिलाया मैं तो वो जो अच्छा मुझे लाल था वो रियल था। जब मैं नई नई आई थी तो मुझे एक मैं कोई किसी कोयटा की टीम के साथ काम करी थी तो कोयटा का कोई बिलोच आदमी था जिसने मतलब मैंने नहीं कहा था उसको कि रियल करना मुझे कोई शौक नहीं था रियल पिटने का मगर उसने कहा रियल करेंगे, डायरेक्टर ने कहा रियल करेंगे और उसने मुझे मेरे सर पकड़ पकड़ के उस पर साइकिल से मारा और उसे धक्के दिए थप्पड़ मारा जोर से मेरा तो हाल बुरा हो गया मशीन हाल बुरा। मैंने कहा यार ये तो रियल तो बहुत मुश्किल है तो तुमने क्यों रियल भाई मेरे साथ एक दफा हुआ अगले था दिन की छुट्टी होगी हाँ नहीं फॉरन नेक्स्ट सीन करना पड़ता है क्या हुआ कि मुझे भी एक मैंने कैरेक्टर किया था मेरे वालिद साहब बने थे उस ड्रामे में और जब एक्शन हुआ ना मुझे रियल का थप्पड़ मार दिया और इतनी जोर का मारा कि मेरे तो कान में और मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया और मैंने कहा नीलम और मैं डायलॉग ही भूल गई मैंने कहा ये मारा कैसे मुझे तो मैंने कहा डायलॉग याद करो क्या था वरना टेक होगी तो दोबारा थप्पड़ खाना पड़ेगा मुझे अब दिमाग में ये चल रहा है। इसके बाद मैं आज तक उनसे शिकायत करती हूँ मैंने कहा आपने कैसे मुझे मारा आपने कैसे मुझे मारा होता है मतलब एक कम्फर्ट लेवल होता है अगर आपको लगे कि सीन की डिमांड ही है अब एक थप्पड़ ही मारना था तो उसमें अगर आप अचानक से मार दें तो मतलब वो मर्द का हाथ होता भी भारी प्लीज ये ना उठाया करें। ये चीज यासिर के साथ हुई थी खयाम सरदी साहब थे जो रूम और उन वो कोई ड्रामा था अतीक ऑडो और उन लोगों का कोई ड्रामा था तो यासिर को उन्होंने थप्पड़ मारना था ना तो तय हुआ कि चीट होगा रियल नहीं होगा वो लेकिन जब शॉट हुआ ले दे धड़ा उन्होंने रियल थप्पड़ मार दिया तो कहने लगा मैं डायलॉग ही बोलिए ना मैंने चिड़िया खाते हैं कार्टून में निकाल दे चिड़िया चौंच एंड आई वाज शॉक्ड मैं भी शॉक्ड में ही चली गई ना कि क्या मतलब तो मैंने कहा नहीं खा चुकी हूँ मैं थप्पड़ आपने खाया कि किसी ड्रामे में थप्पड़ वप्पड़ ये रियल लाइफ में मुझे इतनी खाता है नहीं मैंने सोचा था घर पे वो मतलब मैं चाहता हूँ कि प्रॉम्प्ट कर लें तो बेहतर है जो कि ऐसे लाइफ में इतनी पढ़ रहे होते हैं बच्चों से और बाय द वे जिन लोगों ने मेरे हाथ से थप्पड़ खाए हुए ना वो कहते हैं कि मेरा हाथ बड़ा भारी है मेरा भी मेरा शायद वो कहते हैं नीलम का हाथ बड़ा भारी अच्छा क्योंकि बड़े आराम से असल में मार कहते अच्छा हमारे नहीं हमारे जो एक्टर्स होते हैं ना लड़के वो कहते हैं यार मारो लड़की है क्या मारो हाँ मारो मगर देख लें कहते हैं उनको पता चलता होगा लड़की तो है लेकिन हाथ भारी है अच्छा असल में मार किसने खाई अम्मा बा या किसी मैंने तो बहुत मार खाई है मैंने तो बहुत डंडे वंडों से या क्या जो चीज हाथ में आती थी मेरी अम्मी के वो मतलब कर देती वो बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई बढ़ाई के मामले में तो गलती तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी वो तो मैंने तो फिर बचपन में ठीक ठाक मार खाई है। अच्छा और नौशी तुमने कितनी मार खाई है भाई? मैं नहीं खाई मेरे घर में ये मार बार अलाउ नहीं है सिर्फ जब काम शुरू शुरू में किया था तो उस वक्त खाई शुरू जब की तो झूठ बोला ड्रामों में जाएगी हाँ एग्जैक्टली वो वाली मार मुझे वालदा ने मारा था अच्छा बहुत मारा था शी वाज लाइक हाउ डेयर यू टू इवन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू दिस बिजनेस एंड आई वाज लाइक फिर कैसे मनाया भाई बस एक काम आप करके ही आ गए हैं तो क्या मनाना बस मार पड़ी बहुत ज्यादा अबू ने बोला था कि बेटा डोंट डू दिस व्हाई वुड यू डाई झूठ बोलने की क्या जरूरत है तो ये बहुत दफा बात बता चुकी हूँ बहन आप कौन से मेरे शो पे रोज आ रही होती है मैं पहली दफा बता चुकी हूँ मैं भी पहली दफा सुन रही हूँ और you know, अच्छा, लोगों को तो याद रहेगा ना अपने खानदान की बातें याद नहीं रहती है तुम्हारी पिटाई सिखाई है एक दफा मेरी पिटाई अब मेरी पिटाई वैसे नहीं हुई लेकिन मुझे एक हल्का सा थप्पड़ याद है अम्मी का जब मैं बाहर खेलने के लिए गई और मैं काफी लेट वापस घर आई तो तब डराने के लिए अम्मी ने मुझे बहुत हल्का सा थप्पड़ मारा था एंड हमारे घर में भी मारना पीटना नहीं है देखिए प्लीज़ लड़कियों पे हाथ ना उठाया करें अगर लड़की कोई होता है ना मुझे घर में कोई सपोर्ट नहीं है मुझे अगर मैं कोई भी बात बताऊंगी तो मुझे ही गलत समझा जाएगा मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा मुझे ही ब्लेम किया जाएगा तो वो बाहर वालों से अपनी बातें डिस्कस करने लगती हैं अपनी दोस्तों से घर की जो सपोर्ट होती है ना वो लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लड़की को वापस घर ही आना होता है एब्सोल्युटली आप अपनी बहनों का अपनी माँ का जो जितनी भी सासें हैं अपनी बहुओं का बहुत ख्याल रखें अगर आपको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो आप उन्हें सपोर्ट करें उनके साथ खड़े हों और ये मारना पीटना तो बिल्कुल ही छोड़ दें ये बहुत गलत है। अच्छा और कुछ हमारे यहाँ के जो मर्द हैं कुछ उनकी तो आदत है ना हाथ खुला है उनका हाथ बहुत बुरी बहुत सारे घरों में होता है सॉरी टू से बिल्कुल होता ये है। ड्रामा उसकी अकासी कर रहा है जो रियलिटी है अब लोग हमें कहते हैं कि हम ये ड्रामा नहीं देख पा रहे क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो रहा है बच्चों के साथ ये एक हकीकत है रोजाना आप सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देख रहे होते हैं क्या है ये कौन करता है एक टाइम हैरत होती है जब आप कहते थे कि
बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, राइट? अब आप ये कहते हैं कि दोनों सेफ नहीं हैं, हाँ, ना बच्चे सेफ हैं ना बच्चियाँ सेफ हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बोल्ड टॉपिक है और बहुत ये बहुत ज़रूरत थी इसकी, जो सना ने और ARY ने और इन लोगों ने जो आपस में कोलैबोरेशन की है इस प्रोजेक्ट की, इस टॉपिक को जो हाईलाइट किया है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नीला, बिकॉज इवन इन कराची इस जैसे शहर में, ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैं स्कूल्स का नाम नहीं लूँगी, बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरी इतनी दोस्त हैं जिनके बच्चे वो लोगों को, दूसरों के ड्राइवर्स को फॉलो करके भी घर तक गए हैं, जस्ट बिकॉज के उनके साथ छोटे बच्चे हैं, द बिहेवियर इज शेडी विद किड्स, तो वो बाकायदा लोगों को फॉलो करते करते ड्राइवर्स और पेरेंट्स को बताना, एंड देन दे डोंट केयर, जरूरत से ज्यादा पैसा होने का। अच्छा, इसलिए हम डिस्कस करते हैं, छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वाकई ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको माशरे की हकीकत नजर आएगी कि ऐसी हैं चीजें जो पर्दों के पीछे छुपी हुई हैं, वो देख सकेंगे ट्यूजडे की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। बिखरे मोती, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज देख रहे हैं कि हमारे साथ बिखरे मोती की कास्ट है, यहाँ यासिर नवाज, नीलम मुनीर, वहाज, नौशीन शाह, ये चारों मौजूद हैं। यासिर, ये क्या चल रहा है, मतलब इतना दानियाँ चल रही है क्या? मैं नाराज हूँ। मैंने कुर्सियाँ ऐसे नहीं रखी कि आप लोग झूले झूले, मजे की यार। मैंने एक्चुअली कहा, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। क्यों? कहते नहीं, मैं तो अब टेस्ट नेगेटिव आ गया। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, मैं माशाल्लाह नेगेटिव टेस्ट आ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके वो जो जख्म वखम थे हाथों पे, ये कही थी मैं साउथ सिटी पहुंच गई थी। हाँ, मुझे पता चला था और मैं मना कर रहा था कि भाई मैं नहीं मारता। हाँ, मैं कह रही लग जाएगा, मैं चीट ऐसा करूंगा पता नहीं चलेगा। पैशनेट एक्ट्रेस है। नहीं नहीं, मारे मारे। और एक और बात बताऊँ आज राज की, एक और बात शादी कहते जब वो कह रही है तो मार देते, क्यों नहीं मार रहे यार? वो डायरेक्टर सेल्फिश होता है अपने काम के हवाले से। अच्छी बात है, तो उसको काम अच्छा चाहिए था। हाँ, तो वो काम अच्छा चाहिए था उसको। आई थिंक शादी इज ग्रेट, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। शायद शफार की बात हुई, शादी कर रहे हो, हमें क्या पता, लोगों को क्या पता शादी कौन है? शायद देख भी रहे हैं, शायद की कॉल आई थी, तुम कहाँ चले गए? अभी कॉल आई थी, तुम कहाँ चले गए? तो मैं बता दूं, आप अस्सलाम वालेकुम, शायद कैसे हैं? शायद ये अभी भी सना मक्की पीना छोड़ दी। मैं सना मक्की छोड़ा और सना शहनवाज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। दो सीरियल कर ले, तीसरा और करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड, कैमरा इधर लाए। ना सना मक्खी, ना सना शाहनवाज, ना हुमायूं सेई, ना भाभी, ना निदा, ना यासिर, ना ARY, ये सारे वो लोग हैं जिनको मैं, नीलम और बहाज तो नहीं छोड़ने वाले। मैं छोड़ने वाला हूँ। मैं नीलम बाद ही छोड़ने वाले, या से छोड़ने वाला है, वो डिसाइड कर लिया। हमने आपसे नहीं पूछा। वो इनको नहीं छोड़ने वाले। किनको? इनको। चलो शद्दी भाई की बात आई तो शद्दी हाँ। भाई की थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। वंडरफुल डायरेक्टर, मतलब इतना मजा आता है। अच्छा, काम करने में। मैं सबको याद दिलाती चलूं कि दिल मोम का दिया जो है हाँ जी। वो भी शाहिद शफात का ही ड्रामा था, डायरेक्ट किया हुआ, और टीम वही है, उसमें यासिर भी है, नीलम भी है, शाहिद शफात भी है, कैमरामैन भी वही है। वो टीम वही है, सिर्फ पहले वैम्प ये थी, इस ड्रामे में विलन ये जितना सीन आपको अच्छे से कराते हैं, समझाते हैं, बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके। बहुत बंदा पावरफुल कैरेक्टर, बहुत पावरफुल कर रहे हैं। बाज की बहुत अच्छी एक्टिंग है, नीलम की बहुत अच्छी। शायद की बात हम दोबारा करते हैं, लेकिन कॉफी इतनी सी है और झाग इतनी बनी हुई है उसमें, देखो। मैंने मुंह डाला, मैंने नाक चला गया अंदर, कॉफी क्यों नहीं आ रही अंदर। ऑन अ सीरियस नोट, शायद शफात की बात करते हैं तो मैं आपको ये कहूँ कि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको वो रूम, वो मार्जिन नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये कहा है तो आप इसको इसी तरह से परफॉर्म करें, एंड स्टॉप लाफिंग यू बोथ। इतनी मुश्किल से प्रोग्राम थोड़ा मजे का हुआ है, फिर आगे नौशीन सीरियस कर रही है। मतलब क्या चाहती है, हम क्या करें? नहीं, रोटी डाल दी। नहीं, सुबह से आए ना तो सब, यासिर का मूड थोड़ा खराब था। अच्छा, ओ, हाँ, ये भी था। तो वो हमारा प्रोग्राम ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं क्यों तहरा में बैठ के, खराब नहीं था असल में, गलती। अच्छा, बस गाड़ी लेट आई मेरे पास। हाँ भाई, हम बैठे हुए हैं, चार पाँच लोग, मजा आ रहा है,
बस इतना ही काफी है। शायद शफात सर की तारीफ करी थी, आप बताइए। मतलब वो टीवी पर देख के बोल रहे हैं क्या हो रहा है, वो शर्मा रहे होंगे ना, शायद क्या कर रही है, शायद वॉशरूम जाना होगा और रुक जाओ यार, ये सब बात शुरू होगी, ये सुन के जाऊंगा वॉशरूम जाना रुक गया होगा, लो फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। एग्जांपल्स भाई शायद वाकई शायद अच्छा डायरेक्टर है मुझे, मैं जहाँ तक समझाऊँ कि वो एक्टर को जितने अच्छी तरीके से गाइड करता है, समझाता है, वो थिएटर की उसकी प्रैक्टिस है ना, वो थिएटर काफी किया शायद ने, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भाई मैं अच्छा करूँ तब भी तुम्हारी वजह से करूँ, मैं बुरा करूँ तब भी तुम्हारी, तो तुम नौशीन बुरा इसलिए कर रही हो, शायद ने बुरा कराया हो। सर मैंने बहुत बुरा काम किया है, नहीं मेरे एक्टर्स भी आ गए ऐसे, नहीं नौशीन ने बहुत नौशीन ने वाकई बहुत किया है, मैं एक्टर भी यार मजाक करो, सीरियस हो गई यार। अरे यार ये तो मैं अभी आपके आने से पहले यही कही थी कि आप दो नौशीन अच्छे काम है, लेकिन आप अपना काम जो है वो दिखा बहुत अच्छा, आई थिंक इट्स अ टीम वर्क एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके डायरेक्टर आपके को एक्टर्स सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट नहीं अच्छे होंगे तो कैसे, अकेले इंसान का काम नहीं। अच्छा वहां आज को देख के हो रहा है सारे जो है लड़के इतने हेल्पफुल होना, काश नहीं सब ये होता है कि जो मंगेतर है सब इतने हेल्पफुल होना, जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। नहीं मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, हाँ। असल में भी मैं बताता हूँ आपको। मैं घर पे जब ड्रामा देख रहा था तो मैं फख्र फील कर रहा था थोड़ा कि मैं इससे काफ़ी मिलता हूँ इस कैरेक्टर से, तो मेरी बेगम साथ देख रही थी तो ऐसे देख रही थी, मुझे मेरी तरफ देखी कहती लड़के ऐसे भी होते हैं। तो मैंने उसको देख के कहा, मैंने कहा ऐसे मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो खैर ये तो है। मैं मेरा भी ड्रामा में जो कैरेक्टर है वो घर में अपोजिट है, मैं मारना पीटना जो ड्रामा में मैंने किया ना तो मेरे घर पे मारना पीटना अपोजिट होता है। क्या मतलब मैं करती हूँ? नहीं मैं घर जाके मॉर्निंग शो खत्म होता है मैं घर जाके चाबुक निकालती हूँ, छोटे बच्चे नहीं होती नाराज हो गया, चार साल का बच्चा है ना जो अपनी बात की, चलो भाई मैं तुझे गया, नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, यही होता है घर जाती हूँ मैं चाबुक निकालती हूँ, यासिर खाने में क्या बनाया आज, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सीरियसली ऐसे होता है, मजाक की बात इसका मजाक करिए पता लोगों को सच ना लगे, है सच यही बात, यही सच है। अब तो मैं घर की वीडियो बनाऊंगी ना, वो हमने वीडियो बनाई थी बीच में, हम जब वो होता ना सफाई कर रहे थे घर की सारी, तो यासिर ने कहा चलो यार निदा मिलके सफाई कर, मैं पोल खोल रही हूँ मिलके सफाई करते हैं, मैंने कहा ठीक है चलो। आइडिया दूं क्या, अपना शो एक घर वाला भी करो ना एक एपिसोड, घर पे क्या हो रहा होता जी, नहीं Why not? Madness with kids. नहीं तो उसमें यही होगा ना, जब हम शूट कर रहे थे तो यासिर झाड़ू लगाने आ गए, घर वाले एपिसोड का नाम होगा बिखरे यासिर, बिखरे यासिर, बिखरे यासिर, यासिर के पीसेस इन द हाउस, यहाँ बिखरे मोती बच्चों को कोने कोने में छोटे छोटे पीसेस यासिर के, बिखरे यासिर शो। अब यार देखो इतने दिन घर में बैठ के आपने वजन बढ़ाया, यार कॉफी कैसी है, आप दोनों के साथ बहुत मजा आया, ऑनेस्टली कॉफी देखो कितना मजाक है और प्यार है, ब्लैक कॉफी है, बहुत मजा आया, ये गिर भी नहीं रही, रिलेशनशिप गिर भी नहीं, खत्म हो गई है लेकिन लग रहा है खत्म नहीं हुई है, देखो क्या आप अल्लाह ये कॉफी का क्या मसला, मैंने वजन पे बात की तो आप कॉफी पे क्यों ले गए, मुझे ये बताया आप, नहीं नहीं किस किस का वजन बढ़ा है भाई इस पैनल में, मेरा तो नहीं, मेरा तो मैंने मैं ये फ्रॉक पहन के आ गई, आई डोंट नो व्हाई आई एम लुकिंग सो फैट एंड दे आर लाइक, मेरा तो मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है, हां नीलम आपका, मेरा 3 केजी तक है, तुम क्या कर रही हो जो तुम ख्याल से खा रही हो, सोती हो ज्यादा, हाँ एक तो सोती सोने से वजन कम होता है, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सोती तो ज्यादा हूँ लेकिन अपना ख्याल भी साथ साथ रखती हूँ, मतलब ये नहीं कि हर वक्त खा रही हूँ, सबसे अच्छी बात मैंने ये कि मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, लेट नाइट नहीं खाती हूँ, आपको बहुत भूख लगे तो मैं रात को दूध पी लेती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब मुझे था ये COVID-19 तो मेरा वेट 90 पे हो गया था, अब मैं खा रहा हूँ आम भी खा रहा हूँ, मैं काम खा रहा हूँ, मैं वहाँ उम्र और वेट नहीं बताना चाहिए, नहीं वेट उम्र दूंगा सही है, उम्र नहीं बतानी चाहिए हमसे तो पूछ लिया, मैं नहीं बताऊंगा मैं 38 का हूँ, मैंने कब पूछ लेकिन 38 तो आप 38 के हैं नहीं, नहीं नहीं हूँ, पहली बार झूठ, मैं आईडी कार्ड दिखा दूंगा आपको, भी शो खत्म हो ना करें तो पहले आईडी कार्ड में भी तो एज चेंज होती थी, मुझे क्या लगा पहले क्या मतलब, अब तो सख्ती हो गई ना, नीलो मैं फिर नाराज हूं जो इस तरह बात करेगा मैं ऐसा मुंह करूं समझ में नाराज हूं, ये कह रहे आपको क्या लगा मेरे 45 50, दूसरा मेरा अच्छा मैं खा रहा हूं आम भी खा रहा हूं खाना भी खा रहा हूं, मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई आप खाएं डाइट ना कीजिएगा और आप आम भी खाइएगा विटामिन सी है उसमें, ये मैं दबा के वेट मेरा वहीं रुका हुआ है, मैं कह रही वजन क्यों पड़ रहा है मेरा, होता है तो पता लगा भाई ये जो कोरोना वायरस जो है ना ये आपका वजन भी नहीं बढ़ने देता, अच्छा मैं खाए जा रहा हूँ वजन नहीं पड़ रहा यार, इतना खा रहे हैं और मैं रोज मटन बनाता था मटन कढ़ाई मटन रो पता नहीं क्या कुछ, लेकिन वजन मेरा वहीं रुका हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये खत्म 14-15 दिन गुजरे
फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर अब बढ़ गया मेरा वजन। वैसे ये डाइट शाइट तो होनी भी नहीं चाहिए, एक आपस की बात है। आप इतना ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, आपकी स्किन खराब होने लगती है। हर बंदे का बॉडी सिस्टम ना बहुत डिफरेंट है, आप पहले ऑब्जर्व करें कि आपको क्या चीज़। नीलम, लेकिन देखो जैसे होता है ना, किसी को लगता बहुत है और किसी को बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है नौशीन को खाना नहीं लगता होगा बिल्कुल। दैट्स नॉट ट्रू, विद एज आई थिंक लगता है। लगता है? यस। और वहाँ जब मुझे बहुत लगता है, नो बट आई एम वेरी, मैं बहुत कॉन्शियस हूं 7:38 उसके बाद दुनिया लगता है, लेकिन तुम कंट्रोल कर लेती हो। सुन लिया कर अभी, सॉरी यार, हमने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इधर मुझे भी खाना जो है ना जोर से लगता है, मतलब मैं फौरन मुझ पे वजन आ जाता है। मतलब लाइक ना कि शौकीन हो खाने के, खाने के शौकीन हो। और आप? मैं तो बहुत, मैं काम नहीं कर सकता अगर मेरा पेट भरा हुआ ना। या फिर आप, हम लोग कितना सोचते हैं क्या मंगाने आज, आप खाने की वो करते हो पूजा? पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है मैं पैदा ही खाने के लिए हूँ। मुझे खाना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, खाना भी नसीब हुआ। मैं अभी 14-15 दिन मैंने रच के खाया है ना, जो मैं नहीं खा रहा था कि 4-5 महीने से डाइट की वजह से। कभी किसी ने नोटिस किया कि हम काम में और जिंदगी में इतना बिजी होते हैं कि हम एक वक्त की मील भी सही से एंजॉय करके नहीं खाते, जल्दी जल्दी में? सीरियसली, खाना भी जल्दी जल्दी क्यों? क्या आई डोंट नो, मतलब एक होता है ना बहुत सुकून से आराम से जल्दी जल्दी तो यहाँ से खाता है। हम लोग कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना शुरू करते हैं, अभी शुरू किया होता है, चलो भाई खा लिया, स्पीड में खाता है, और ऑर्डर करेंगे। मैं, मेरा मसला ये, मैं आप नोट कीजिएगा, मैं हमेशा खाना आता है, मैं शुरू कर देता हूँ, लोग आ रहे हैं, अच्छा, हाथ धो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। जल्दी नहीं खाता मैं, लेकिन मुझे कि मैं स्टार्ट जल्दी कर लेता हूँ, बाकी लोग भी हाथ धो रहे हैं, बात कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, मैं उसको आधा खाना खत्म कर चुका होता हूँ। मैं स्टार्ट जल्दी करता हूँ, लेकिन स्टार्ट जल्दी करता हूँ, जल्दी नहीं खाता मैं। क्या क्या ऐसी चीज़ है, सना है ना आपकी वाइफ का? जी। सना के हाथ की बाहर ऐसी क्या चीज़ है जो पसंद? सब कुछ। अच्छा बनाती है खाना? पॉलिटिकली करेक्ट, सब कुछ अच्छा नहीं बनाती है। खाना पकाना आता है, लेकिन खाना बनाती तब हूँ जब जरूरत हो। अच्छा, वैसे नहीं। और नीलम को आता है खाना पकाना? हाँ, मुझे खाना पकाना आता है, मैंने पहले भी बताया। मैं आलू गोश्त बहुत अच्छे बना, आलू गोश्त भूल जाते ना, मैं भी बना लेती हूं। नहीं, मैं भी बनाने के बाद ना मुझे भी याददाश्त कमजोर होने लगी। अब मैं जब दोबारा खड़ूंगी बनाने के लिए, यू नो मुझे स्विमिंग आती है। अब स्विमिंग अगर मैं साल भी नहीं करूँ ना, और मैं जब पूल में जाऊँ तो मैं कर लेती हूँ आराम से, लेकिन मुझे खाना लगता है कि बंदा भूल जाता है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो कैसे शुरू किया था और क्या बनाया था। अब आई डोंट नो कि वो सही है नहीं। अब किचन में खड़ी होंगी तो जाके पता चलेगा कि क्या सीन है, लेकिन मैं आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अगर मैं पूछूँ ये ड्रामा लोग क्यों देखें भाई, आपका ड्रामा विक्रम होती है? ड्रामा मैं कह रहा हूँ इसलिए देखें कि उसमें यासिन नवाज है, मुनीर है, वहाज है, नौशीन है, शायद शफाद ने डायरेक्ट किया, सना शाह नवाज ने और समीना भाभी ने, समीना मायूं सईद और मायूं सईद ने प्रोड्यूस किया है। समीना पीर ज़ादा के सना समीना और यार पे चल रहा है, इसलिए देखें बस। नाम भी क्यों देखे तुम्हारा ड्रामा? बहुत गहरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा है और ख़वातीन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है इसे देखना। हर तरह के टॉपिक पे हमने बात की है, बच्चों से लेके बड़ों तक, अनमैरिड, मैरिड। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों का बहुत, फिर मैं बोलूँगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि प्रोग्राम भी इसी पे और विक्रम मोदी पे, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आपके करीब आपके रिश्तेदार, आपके कज़न, ताया का बेटा, मामू, चाचा भी, बच्चों को आप ना हाथ लगाने दें, ना गोदों में बिठाएं, ना सफ़र कराएं। आजकल बहुत ज़माना ख़राब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक, मैं नहीं बोलती कि कोई बुरा होगा, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो जाए तो बहुत एहतियात करनी है आपको। दूसरा ये कि आप जिस घर में भी लड़की जाती है, उसकी शादी हो, जिस घर की बहू है, आप प्लीज़ उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करें। स्पेशली सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बेटे को समझाए, और उस लड़की को जिसको घर में लेके आए उसको बहुत इज्जत दे, कोई फ़र्क ना रखे, उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, जहाँ पे बात ख़राब हो खुद बढ़े आगे, कोई अना का मसला ना बनाए, रिश्ते संभालना। देखिए, हम सबका जो ना इम्तिहान है और हर चीज़ का जवाब है। अगर किसी के साथ भी गलत होगा ना, मैं भी अगर उस पर चुप रहूँगी तो मैं भी उसके जवाब देंगी, तो आपने जो ना बहुत ख्याल रखना है। रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों को अपने ख्वाब पूरे करने देना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहती है ना, आप उसे पढ़ने दें, इस सोच को निकाल दें कि वो कल को पढ़ेगी तो उसके पढ़ निकल आएंगे, वो बाहर जाके काम करेगी, इस सोच को निकाल दें। आप यही सोच लें कि इतनी महंगाई हो गई, अगर बेटी पढ़ लेगी कल को उसके बच्चे होंगे, तो आज ट्यूशन वाले जो 15-20 हज़ार रुपये एक बच्चे के ले रहे हैं, तो कल को वो पैसे सेव कर सकेगी और अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकेगी घर में ही।
तो प्लीज सोचे, प्रैक्टिस हो गई नीलम की डिबेट करने की, मैं सोची हुई और ड्रामे में जैसे डिबेट, हाँ वरना तुम इतना लंबा तो बोलती भी नहीं थी, मतलब जैसे अब आती थी अब माशाल्लाह मैं कह रही हूँ रवानी से बोला है सारी चीजें और डिबेटर बनी आदत हो गई है, कनेक्टेड है अपने कैरेक्टर से, ड्रामा का स्टार्ट नजर आ रहा है, जब तुम एक्ट कर रही हो तो नजर आ रहा है, कोई मैं रिकॉल कर रहा था, वहीं चला गया था एक्चुअली, मुझे लगता भी विजुअली पर वॉइस स्क्रिप्ट नहीं बोल दिया, नहीं नहीं मैंने सारी वॉइस स्क्रिप्ट याद किया हुआ था, वहीं सारे कैरेक्टर्स को किया है, और अगेन फादर की भी ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों, सिर्फ बीवी पर ना छोड़े, अपने बच्चों का खुद भी बहुत ख्याल रखें, खुद भी साथ बैठे हैं, उन्हें पढ़ाएं, उनका ख्याल रखें, घर जो है ना पूरी फैमिली से चलता है, और औरत को इतना ना दबाओ, इतना बोझ ना दो कि वो बहुत, लड़कियों पर ऑलरेडी बहुत टेंशन होती है अपने बालों की, अपने वजन की, दिन ब दिन यू नो आप बड़ रहे होते हैं, आपकी सोच डिफरेंट हो रही होती है, जैसे बड़े होते हैं वैसी वैसी टेंशन आ रही होती है, नए नए एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो अगर घर में सुकून नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। क्या बात है, और इसी बात के साथ हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और उसके बाद हम आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे, गप्पे भी लड़ाएंगे, और लेकिन आपको बेसिकली ये सब शो पे आज वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ट्यूसडे की रात 8 बजे देख सकते हैं आप बिखरे मोती सिर्फ ARY डिजिटल पर, और 5 एपिसोड अभी तक उसके हो चुके हैं, 6th एपिसोड आएगा अगले ट्यूसडे को। ये जो आप देख रहे हैं घंटियां लेकर ये बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट, अरे मेरा IFB बंद, IFB पे मेरे कान में आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अच्छा होगा ये कि मैं सवाल करूँगी और जो समझता है कि ये सवाल उसके ऊपर पूरा फिट बैठता है, यानी कि ये जवाब वो देगा और बेल बजा के बजर बजाएगा, बजर है ये बेल, देसी बजर है। पहला सवाल, कौन आप चारों में से कौन अपनी तारीफों से ज्यादा खुश होता है? सब उल्टा समझिए, नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने बहुत है कौन है जिसका मूड छोटी सी गलती पे भी ऑफ हो जाता है सेट पर, छोटी सी किसी की गलती, ये सवाल अभी बनाया उन्होंने लगता है, नहीं नहीं अच्छा ये छपा हुआ है पहले, ये सवाल अभी बनाया उन्होंने शो के दौरान ऐड कर दो, हां लेकिन तुम्हारा सही भी हो जाता है फौरन, क्योंकि मैं फौरन बात कर देती हूं, है ना, छोटी सी गलत कब, हां अभी ठीक भी हो जाते हैं, मुझे लगता है इनका सबसे ज्यादा होता होगा छोटी सी गलती पे, ओए तुम बड़ा जानते हो नौशीन के बारे में, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा वाकई यार, ड्रामे में नहीं नहीं 2 एपिसोड में वो ड्रामा भी लिख रहे हैं, अच्छा ओके नेक्स्ट सवाल बता दें इनको, हां जी बिल्कुल व्हाई नॉट, हां अच्छा वो ड्रामा लिख रहे हैं मिलकर आप दोनों, नहीं मजाक कर मजाक कर, अल्लाह ऐसा सीरियस मजाक है, ही इज एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड, व्हाई यू नॉट टेलिंग देम, ये नहीं चाहता बताना लोगों को, क्यों छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो तुम, आखिर नहीं नहीं मैं ओके नेक्स्ट सवाल ऑन करता हूं मैं बिल्कुल, मैं ये बहुत हैवी है सर, मैं मारूं इसलिए मैंने ऑन कर लिया भाई, इससे पहले खून खराबा शुरू हो, कौन है जहां एक मतलब जहां 10 रुपए खर्च करने होते हैं वहां वो 100 रुपए खर्च कर देते हैं, ये तीनों ऐसे ही ये घंटी तो शो के आए उन्होंने तो बंद ही नहीं होनी चाहिए, मैंने तो कभी नहीं देखा, हाँ मैंने तो कभी नहीं देखा, झूठे शुक्र है मेरे साथ कोई गवाह नहीं है, कौन है जो कॉन्टिनेंटल फूड पे या वेस्टर्न फूड पे देख के बिरयानी को तरजीह देता है, तीन लोग बिल्कुल देसी बिरयानी ऑफ कोर्स, मुझे बिरयानी वैसी पसंद नहीं है, मैं
लेकिन आपको वेस्टर्न खाना पसंद है? मुझे वेस्टर्न खाना अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देसी फूड आई एम सॉरी, कोई कंपैरिजन नहीं। कभी कभार तो मैं करती हूँ, खाना खाने के बाद देसी खाना खा लेती हूँ। मैं करता था ना, घर से डाइट फूड लेके गया, पूरा खाया, डाइट फूड साइड में रखा, अब लाओ खाने में, छूट भी क्या आया खाने में। मैंने ये भी किया है। कौन है जो सेट पे सबसे ज्यादा बोलता है? आई थिंक मैं। ये तो गुन्ने होके बैठ जाते हैं सब अपने अपने कोनों में, मैं ही होती ढूंढती फिर होती है मार मुझे पड़ रही होती। अच्छा सब बातों नहीं हो बहुत ज्यादा। आई लुक फॉर दीस गाइस कि कहां है, मुझे बातें करनी है। सीरियसली नौशीन आती है सब छुपाते थे, वहां छुपा उधर छुपा। यासर भी तो बहुत बातें करते हैं सेट पे। करता हूं मैं। आपकी आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बैली बजाई आपने? नहीं मैं नहीं करता था। नौशीन को मैंने हार मान ली, नौशीन की बात ना। अच्छा किसी ने आके ये तो बोला कि यासर भी बातें। अच्छा मैं एक बात बोलूं, मैं कवर अप कर रही थी। मुमकिन है इनके इनके बदले की बैल हम बजा लेते। सिर्फ ये इंसान है जो नहीं बोलते। नीलम भी बहुत कम बोलती है, मैं और यासर बहुत बात करते हैं। और यासर बात करते हैं नहीं, ईमानदारी से ये होते हैं डायरेक्टर के साथ ज्यादा। हम सुनते हैं इनकी बात। यार मैं फिर वहां बैठा हूं, मुंह उधर कर दिया। मैं भी नाराज हो गया, ये खाऊंगा मैं। हम मेरे जवाब आपको दे रहे हैं यार। एलिगेशंस। अच्छा अगला सवाल। हां अगला सवाल। अच्छा घर में तो मैं ज्यादा। अच्छा नेता तैयारी करिए घर जाके लड़ाई करने की। नहीं क्यों, बोलने में क्या है बेचारा, बोलने तो बोल बोल नहीं, मैंने बोलता था सीधे से, मैंने बोला ओके। नहीं नहीं डजंट टॉक। हां किसको सबके डायलॉग्स याद रहते हैं? मैं मुझे अपने रहते हैं। मैं अपने मुश्किल याद करूं बड़ी बात है। और दूसरे के याद करना मतलब मुश्किल। मुझे अपने अच्छा अपने से ज्यादा दूसरे के याद। मैं सिर्फ आखिरी दो वर्ड याद करता हूं, इसके बाद बोलना मुझे ये क्यों है मेरा। कौन मेकअप और कपड़ों को लेके सबसे ज्यादा कॉन्शियस होता है? नो नो मेकअप नहीं कपड़े कपड़ों को लेके। मैं तो कैरेक्टर के हिसाब से बने होते हैं तो अदरवाइज तो यू नो मी। अच्छा किसको घर जाने की सबसे ज्यादा जल्दी होती है? तुम क्या तो घर में प्यार नहीं मिला? मेरा घर है नहीं यहाँ पे, मैंने अच्छा, तो जाना होता है। मैं तो चाहता हूँ सारी रात काम करें ताकि जल्दी पैकअप हो, ताकि जल्दी पैकअप हो। अच्छा आपको भी घर आने की जल्दी होती है? हाँ ये तो खैर है। बहुत अच्छे प्योर लोग। ऑनेस्टली आई हैव टू बी ऑनेस्ट नोबडी। नाम दे देते नो 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 अलग अलग नाम है गिला गिला गॉसिप। मैं एक प्रोजेक्ट का नाम उसमें वो लोग हमारे मेकअप आर्टिस्ट करते थे तो आई टोल्ड देम टू प्लीज। अच्छा पसंद दूसरा कौन है? सेट्स की बातें ना करें आप। कौन कौन है सेट सेट का मलका है जज्बात या मलका है को उसको क्या कहेंगे? मेल को क्या कहेंगे? मलका है जज्बात कौन है भाई? इमोशनल सबसे ज्यादा। हाँ फौरन उदास, फौरन रोना, फौरन वो रोना मुझे शादी भाई होते हैं ना। शादी भाई शादी भाई चारों बजा देते हैं। बहुत उतनी जल्दी उतर भी जाता है। अभी पता है टीवी पे देख के बोल रहे होंगे नीलम कितना बड़ा ड्रामा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। तुम ज्यादा हो तो मलका जज्बात तुम हो। अच्छा ये भी अहमद भी है। मैं भी हूँ। हो जाती खवातीन होती हैं। अच्छा किसके पास हर मसले का हल है ना, मतलब हर मसले का हल? हाँ
मतलब हर किसी के मसले का हल या अपने मसले का नहीं, सबके मसले का हल। मेरे पास नहीं है, तो बता देंगे अच्छा ये इमरत धारे लगा लो, या पेट में दर्द है तो वो बोलेंगे सूखा नींबू खा लो। ये नहीं, इस मसले का नहीं, और मसले हर मसले यार लेट क्यों शुरू हुई है, तो इसका मसले का लिया कि तुम भी लेट आओ, कल तुम लेट आ रहे हो। मैं तो और चीजें सोच रही हूं। अच्छा ये चक्कर, मेरा काम तो खैर कम था वसीम साहब के साथ, मैं दो दिन तीन दिन की शूट थी मेरी उनके साथ, लेकिन फिर भी वो तुम लोगों का ज्यादा काम हुआ है ना। थैंक गॉड मेरे तो अच्छा अच्छा सबकी थैंक गॉड क्या हुआ नहीं, क्योंकि आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ वो इतने खतरनाक अब्बा बने हुए हैं। अब्बा खतरनाक है, हां ना ये जो है हमारा आज का शो था भाई, क्या खत्म बस पता भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बढ़ा दो बोलो प्लीज। अच्छा चारों चले आते हैं, तुम शो करती रहो। हाँ ठीक है, मैं आपको निदा आगे बढ़ाती हूँ। वैसे आप बढ़ा सकती हैं क्या शो, हम वेडिंग शादी वीक में बढ़ा सकते हैं। चलो समझो आज शादी वीक है, अभी इमेजिन कर लेते हैं, एक्टिविटी करें, शादी किसकी करेंगे, करो करो करते हैं, शादी किसकी करें, मेरी कर लो। कोई नहीं, कोई नहीं। आ जाओ इकबाल, ओए मुझे इकबाल अब ढूंढी लो कौन है इकबाल, हीरो है अगर मेरी बहन ना बराबर में बैठी हुई है, हाँ नहीं और दूसरी इधर बैठी हुई है, ओए होए दो दो बहनें। अच्छा नहीं वैसे अगर तुम्हारे ये घंटी पकड़ा दे, आपको कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए, चलो अगला एपिसोड हम यही कर, हां नहीं दिस इज टू पर्सनल, आई टेल यू लेटर, इधर एंड कर दो आपको, हां इधर एंड करते हैं जी, खत्म, हां बताऊंगी बात, 5 साल बाद शो करें। अच्छा आप अपने फैंस को आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं, स्टार्ट विद जस्ट, हां वो स्टार्ट भाई, लखनऊ फैन आने नहीं, फैंस को ये कहेंगे आप बिखरे मोती के हवाले से कहूँगा, बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट राइटर का हमने नाम नहीं लिया, एडिसन नाम है राइटर का, एडिसन इदरीस, और बहुत अच्छा लिखा है आपने एडिसन साहब, और शाहिद शफाल आपने तो बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, आप ड्रामा देखें ट्यूसडे को रात 8 बजे आता है, वहाज ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इतफाक से, और देखो मैं बहुत सीरियस नोट बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस शुरू में था काफी है। अच्छा। आप ड्रामा देखें, ड्रामा बहुत मजे का, नीलम बिल्कुल विक्रम होती है, आप देखें आप बड़ा एंजॉय करेंगे, मैं जानती हूँ कि बहुत थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को बहुत फील होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इमोशन होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे ड्रामे से आपको एहसास होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट में मैं ये कहूँगी कि सना शाहनवाज समीना हुमायूं मैं समझती हूँ हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हैं, क्योंकि हमेशा एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, और जिस टॉपिक पे कोई और नहीं हाथ रख रहा होता ये लोग हाथ रखते हैं, रिस्क लेते हैं, ड्रामा बना के कामयाब हुए, आपको पता होगा कितने चैनल से रिजेक्ट हुआ था उन्होंने फिर, हाँ हाँ ये तो बड़ी फेमस बात है, हाँ साना ने मुझे खुद बताई थी दिल मोम का था ना, इस तरह का वो चैनल मान नहीं रहा, नहीं यार ये तो बड़ा मसला है, हमारे चैनल को भी क्रेडिट जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि हम सही ड्रामे पिक करते हैं, और एआरवाई के ड्रामा वैसे भी आजकल बहुत हिट है, और काफी अरसे से इनकी अपनी ऑडियंस है वो बिल्ट अप है, एंड आई एम ग्लैड कि हमारे पास पाकिस्तान में इतने अच्छे ड्रामास बन रहे हैं, और अभी हम बोर नहीं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स सर्व करने के लिए। हाँ भाई वहाँ जाते हैं, मेरा ख्याल है कि एक तो आपकी वाली बात है कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो इस तरह के टॉपिक लेकर आते हैं हम सब के लिए, और चाइल्ड अब्यूज़ या इस तरह का जो मौजू है ये एक वाहिद एक ऐसा मौजू जिस पर अभी भी बहुत सारे लोग सीरियस नहीं हैं, तो इस ड्रामे में आगे चल के कुछ ऐसा कुछ होगा, मतलब अभी तक तो नहीं, अब देखें क्या होता है पूरा, हाँ मतलब इम्पोर्टेंट ये कि हमारे यहाँ इश्यूज़ होते हैं ऐसे, लेकिन उसमें अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं चलता, तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है आप लोगों को अवेयर करने के लिए बन रहा है, एजुकेट करने के लिए बन रहा है, तो ज़रूर देखें और महफूज रहें और सीखें। हाँ भाई नौशीन, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जो बिखरे मोती जो नाम है इसका, उसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चे जो हैं वो दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, वो पेरेंट्स की चॉइस होती है और पेरेंट्स लाते हैं उन्हें, तो उनसे आप एक्सपेक्टेशंस मत रखें, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सना शाहनवाज आई थिंक हमारी इंडस्ट्री की, अगर मैं गलत नहीं कह रही, तो शायद सबसे छोटी एज में प्रोड्यूसर हैं,
और उसको बहुत स्क्रिप्ट सेंस है माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी वो लाइक नीलम सेड आई कंप्लीटली एग्री विद हर कि वो वाकई ब्लेसिंग है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि वो एक अनयूजुअल तो मैं नहीं कहूँगी जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे बात करती हैं लोगों को अवेयर करती हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत मारा जा रहा है या बहुत जुल्म दिखाया जा रहा है ये हम जुल्म जो हो रहा है सोसाइटी में वो आप तक की अकासी कर उसकी अकासी कर रहे हैं ये हम तो एक्ट कर रहे हैं बट यू गाइज हैव टू थिंक कि ये रियलिटी में ऐसा है बहुत लिखा हुआ ड्रामा बहुत अच्छा लिखा हुआ ड्रामा है शायद सर के साथ बहुत मज़ा आया काम करके मैं सिर्फ यही आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ इस ड्रामे को देखिए और इसे सीखिए दैट्स इट थैंक यू बहुत शुक्रिया आप चारों का शो पे आने का क्योंकि इस वक्त घर से निकलना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन बहुत शुक्रिया आप अपने ड्रामे की खातिर निकल कर आए हैं यहाँ और इसीलिए हम कहेंगे कि देखना मत भूलिएगा बिखरे मोती ट्यूजडे की रात 8 बजे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान खुदा हाफिज़